साई राम। शिरडी ग्रामवासी और श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई बैठक में बहुत ही सकारात्मक निर्णय लिया गया। साई संस्थान प्रशासन और शिरडी ग्रामवासियों के बीच में काफी समय से तनाव का वातावरण बना हुआ था। शिरडी ग्रामवासियों का कहना था कि शिरडी समाधि मंदिर परिसर स्थित शनि मंदिर, गणपति मंदिर, शिव मंदिर, दत्त मंदिर में ग्रामवासी बाबा के समय से ही आ जा रहे हैं। ये शनि मंदिर, गणपति मंदिर और शिव मंदिर शिरडी ग्रामस्थ के ग्राम देवता हैं। लेकिन कोविड काल के बाद परिस्थितियां बदली और संस्थान ने सभी द्वारों पर प्रवेश पर रोक लगा दी। कुछ नियम व शर्तों के साथ कुछ ही भक्तों या ग्रामस्थ को प्रवेश की अनुमति मिली। यह नियम लागू हो जाने से शिरडी ग्राम की महिलाओं में भी काफी रोष था। वो संस्थान के इस फैसले से नाराज चल रही थी। कई बार इस समस्या का हल निकालने का प्रयास हुआ पर कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाया। तब शिरडी ग्राम वासियों ने महाराष्ट्र सरकार में रिवेन्यू मिनिस्टर व स्थानीय नेता श्री राधा कृष्ण विखे पाटिल से मुलाकात की। श्री राधा कृष्ण विखे पाटिल जी ने मध्यस्थता करते हुए शिरडी ग्राम वासियों और संस्थान प्रशासन के बीच एक सहमति बनवा दी, जिसके तहत शिरडी ग्राम वासियों को प्रवेश करने की अनुमति रहेगी, जिसके लिए वो अपने ग्राम देवता दत्त मंदिर, गुरु स्थान और समाधि मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। प्रवेश करते समय प्रत्येक शिरडी ग्रामवासी को अपना आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। यह निर्णय लिए जाने से शिरडी ग्रामवासियों विशेषकर महिलाओं को समाधि मंदिर परिसर में जाना काफी आसान हो जाएगा। यह आम समिति बन जाने पर शिरडी ग्रामवासियों ने श्री राधा कृष्ण विखे पाटिल और संस्थान प्रशासन का धन्यवाद किया। इस बैठक में श्री राधा कृष्ण विखे पाटिल के साथ श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री पी शिवाशंकर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राहुल जाधव, पुलिस उप अधीक्षक श्री संदीप मिटके, पूर्व नगर अध्यक्ष श्री कैलाश बापू कोते, श्री शिवाजी गोंदकर, पूर्व उप नगर अध्यक्ष श्री अभय शैलके, श्री विजय कोते, शिवसेना जिला प्रमुख श्री कमलाकर कोते, श्री जगन्नाथ गोंदकर, श्री रविंद्र गोंदकर, श्री सुजीत गोंदकर, श्री ज्ञानेश्वर गोंदकर, श्री नितिन कोते, श्री दीपक वारुले, श्री रविंद्र कोते, श्री विजय जगताप, श्री राम श्याम कोते, श्री अप्पा साहेब कोते, श्री प्रमोद गोंदकर, श्री मधुकर गोंदकर, श्री सुनील गोंदकर, श्री अजय नागरी, श्री दत्तात्रेय कोते, एडवोकेट अनिल शेजवल सहित कई अधिकारी व ग्रामवासी उपस्थित थे। बैठक के बाद शिवसेना जिला प्रमुख व शिरडी ग्रामवासी श्री कमलाकर कोते ने कहा, शिरडी ग्राम निवासी और साई बाबा संस्थान के बीच में थोड़ा सा तनाव निर्माण हुआ था। साई बाबा के दर्शन में हम जो लोग गांव वाले लोग जाते हैं उस बारे में, तो हमारे कुछ ग्राम दैवत तीन मंदिर जो कैंपस है बाबा के समाधि मंदिर के बाजू में, शनि मंदिर है, भोले बाबा का मंदिर है, एक गणपति मंदिर है और समाधि मंदिर भी हमें जाना होता है। तो गांव वाले लोग जो गेट से जाते हैं तो हमें थोड़ा अलग गेट से भेज रहे थे। बीच में ये जो MCA ये पाया है तो उन्होंने क्या किया, बीच में उनको खड़ा करके गुरु पूर्णिमा के टाइम थोड़ी सी बहस गांव वालों के साथ में हुई थी। तो हमने अभी हमारे यहाँ के जो पालक मंत्री मिनिस्टर है, रेवेन्यू मिनिस्टर राधाकृष्ण विखे पाटिल जी, इनके साथ में हम जो साइबर शासन की ओ साहब है उनको मिलके हमने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में हमने संस्था ने ये कबूल किया कि आप 3 नंबर गेट से शिरडी गांव वाले अपना आधार कार्ड दिखाकर अंदर जा सकते हैं और तीनों ग्राम दैवों का दर्शन भी कर सकते हैं, समाधि मंदिर भी जा सकते हैं। तो ये जो निर्णय हुआ है इससे सब शिरडी गांव वाले ग्राम निवासी खुश है। हम साईबाबा संस्थान का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। अयूब पठान, साई लीला टाइम्स शिरडी। कृपया साई लीला टाइम्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। 24 घंटे शिरडी साई बाबा से जुड़े रहने के लिए साई लीला टाइम्स इंटरनेट FM रेडियो लॉगिन करें। ओम साई राम।